3, 2, 1. नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ विलेरियागंज से गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, मुठभेड़ में पकड़े गए। दोनों साथी बदमाशों ने बताया कि वे जनसेवा केंद्र में लूट की योजना बना रहे थे। एसपी ने बताया कि इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु बिलरियागंज थाने के नसीरपुर बाजार में पुलिस मौजूद थी, तभी मुखबिर की सूचना पर दो बदमाश, जिनका नाम साजिद और यासीन है, वे आते दिखाई दिए, जिनकी तलाशी के दौरान दो तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ साथ मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। ये थाना बिलेरगंज में पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक दोनों के पास से असला और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों शातिर बदमाश हैं और पूछताछ के दौरान इन्होंने और कई ऐसी वारदातों का जिक्र किया है जो ये घटनाएं करने वाले थे लूटपाट की। उन इस इनकी गिरफ्तारी से वो घटनाएं प्रिवेंट हुई हैं और निश्चित रूप से इससे आगे आने वाले समय में घटनाओं पर रोक लगेगी। क्या इनका किसी ग्रुप से लिंकअप है या किस तरीके के लोग? हाँ, इन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं जो असले का काम करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है और उनके बारे में अभी और जानकारी की जा रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी। क्या इनका अन्य जनपदों से भी लेना देना है कुछ? हाँ, ये निकट के जो जनपद है, जैसे हमारा जौनपुर जनपद है, उधर मऊ जनपद है, उसके लोगों से इनका टाई अप रहता है। जो उधर के बदमाश हैं, ये इधर से उधर जाते हैं, उधर के बदमाश इधर आते हैं इनके साथ क्रैक करने। अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, इन्होंने घटना तो अभी दो बताई है, लेकिन इसके अलावा जो घटना और करने वाले थे, जो आपके जनसेवा केंद्र है उसमें कुछ लूटपाट की घटना करने वाले थे, उन घटनाओं के बारे में बताया है और आगे क्या सावधानी उस विषय में रखनी है ताकि और लोग इस तरह घटनाएं ना कर सके, वो मेरे द्वारा एक मीटिंग भी की गई है और जनसेवा केंद्र वालों को बताया गया है कि इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, इसके बारे में मैंने उन्हें बताया भी है।